नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। भवानी मंडी शहर के शिवालय मंदिर परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिले में हो रही समस्याओं को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें जो वेतन मानदेय राज्य और केंद्र सरकार दोनों सरकार से मिलता है, उस वेतन मानदेय का एक ही समय पर अनुसार मिले। साथ ही अभी तक उन्हें सिर्फ राज्य सरकार का ही वेतन मानदेय मिला है और केंद्र सरकार का वेतन मानदेय अभी मिलना बाकी है। साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनाव ड्यूटी के दौरान मिलने वाले वेतन भत्ते में भी मिलना बाकी है। उनकी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। मैं एक मीटिंग रखी गई है, सारी आंगनबाड़ी महिलाओं को बुलाकर आप उनको समझाइश कर रहे हैं कि भाई तनख्वाह को लेकर बात कर रहे हैं, उनका मापदंड बढ़ाने को लेकर बात कर रहे हैं। किस तरह से की मीटिंग आज आयोजित की गई? सर, आज हमारे जिले की समस्याएं चल रही है, राज्य और केंद्र की तो है सही, हमारी बहुत सारी समस्याएं, लेकिन जिले की समस्याएं भी हमारी 20-25 समस्याएं हैं जी। जो मेन तो हमारा मानदेय, मानदेय भी हमारे को 3-4 महीने होगा और राज्य का डलता है और केंद्र का नहीं डलता है जी। दो टुकड़ों में मानदेय डलता है। कितना डल रहा है अभी महीना का? अभी 5,000 रुपए डलते हैं सर जी, राज्य सरकार का, राज्य सरकार का, और केंद्र का नहीं डल रहा है। केंद्र के 3-4 महीने हो चुके हैं हमें जी, लेकिन दो हिस्सों में बट के डलता है। तो सर हमारा है ना 5,000 रुपए हमारे बच्चों की फीस है, हमारे बहुत सारे हमारा घर का जो खर्चा चलता है, इसमें मजदूर वर्ग लोग नौकरी करते हैं, बिल्कुल आर्थिक स्थिति खराब है। वही महिलाएं काम करती है, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए मैं आज दिन तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया, ताकि दो ही राज्य और केंद्र का जो वेतन आता है मानदेय वो हमारा एक साथ डाला जाए, ये हमारी मेन मांग है हमारी। उसके अलावा हमारा जो चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है सर, 400 रुपए मिलते हैं हमें ड्यूटी के भत्ते के तौर पे। हाँ, भत्ते के तौर पे, पर ड्यूटी तो हमें सुबह से शाम तक कराई जाती है, पर अभी तक हमें उसका पेमेंट नहीं दिया गया। अच्छा। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल में कार्य होता है, जो ऑनलाइन लिखित भी करते हैं हम लोग, और ऑनलाइन ऐप है हमारा, उस पर कार्य किया जाता है, जिसको हमें उसका बैलेंस भी हमें डलवाना पड़ता है, जिसका खर्चा हमें मिलता है 166 रुपए। अच्छा। 166 में सर हमारा 15 दिन का रिचार्ज भी नहीं डलता है और काम महीने का कराया जाता है, जबकि रिचार्ज इतना महंगा हो चुका है जो 300 रुपए का। भवानी मंडी के नीलकंठ मुक्तिधाम परिसर में भवानी मंडी पुलिस थाना प्रभारी रमेश चंद मीणा के तत्वाधान में एनजीओ नागरिक मंच राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम काला की सहभागिता में मंच के पदाधिकारी गण के सानिध्य में 13 फलदार अमरूद, जामुन, आम, तीरथ एवं नीम के पौधे राज्य सरकार के सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए गए। मंच अध्यक्ष काला ने इस अवसर पर CI भवानी मंडी को बताया कि नीलकंठ मुक्तिधाम समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा के प्रयासों से इस परिसर में विकास कार्य और पूर्व में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है। इस अवसर पर पुलिस हेड कांस्टेबल भोलाराम, भूपेन्द्र सिंह, कांस्टेबल सीताराम, दिनेश कुमार, एनजीओ के प्रदेश महामंत्री लालचंद रावत, डॉक्टर विकास पांडे एवं मुक्तिधाम समिति के सदस्य अध्यापक नरेंद्र वर्मा, दामोदर शुक्ला, रवि भराड़िया, सागर किशन गोपाल आदि भी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भवानी मंडी कोटा विश्वविद्यालय द्वारा BCOM व BSc फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर परीक्षा नियंत्रक के नाम बिरला महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। ABP के कॉलेज इकाई अध्यक्ष अर्जुन गुजर ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को देर रात BSc और BCOM के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया गया, जिनमें से बहुत से विद्यार्थियों को परिणाम में बैक या फेल कर दिया गया। कई विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया, यूनिवर्सिटी द्वारा दस्तावेज में कमी बताकर रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जबकि जिन विद्यार्थियों के सभी दस्तावेज जमा है उन विद्यार्थियों के रिजल्ट में भी दस्तावेज की कमी बताकर रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इकाई अध्यक्ष अर्जुन गुजर ने बताया कि कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा परिणाम को देरी से जारी किया गया और परीक्षा परिणाम में बड़ी गड़बड़ की गई, इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABP भवानी मंडी द्वारा राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी में कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए गए रिजल्ट को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और रिजल्ट को पुनः जारी करने के लिए ज्ञापन भी दिया गया। भवानी मंडी की पंचायत समिति कार्यालय में गुरुवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी ने उपस्थित अधिकारियों को जनता की शिकायतों का तत्काल निस्तारण कर जनता को राहत प्रदान करने की बात कही गई।
उन्होंने कहा कि जनता द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक अधिकारी समय समय पर उनका निस्तारण करे। जन सुनवाई में जो भी शिकायतें प्राप्त होती है उनका निस्तारण कर पालना रिपोर्ट पेश करें। जन सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना में चाइनीज संबंधित तथा बिजली की समस्या अधिकारियों के समक्ष रखी गई। जन सुनवाई के दौरान कुल 20 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें आवासीय कॉलोनी की समस्या, पेयजल, विद्युत संबंधी समस्या, गो सेवा, चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने, आवासीय कॉलोनी के फर्जी पट्टे निरस्त करवाने सहित अन्य विभाग से संबंधित शिकायतें मिली, जिस पर उपखंड अधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश प्रदान किए। वहीं जनसुनवाई के दौरान पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, विकास अधिकारी रमेश चंद वर्मा, तहसीलदार अब्दुल हाफिज खान, नगरपालिका अधिकारी मनीष मीणा, शिक्षा विभाग CBO दामोदर प्रसाद शर्मा, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता, डिस्कॉम कनिष्ठ अभियंता, कृषि विभाग से राजेश विजय सहित अन्य अधिकारी जनसुनवाई में मौजूद रहे। भवन मंडी पुलिस थाने में आगामी त्यौहार के चलते व स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, साई सवारी के मद्देनजर CLG बैठक का आयोजन किया गया। CLG बैठक के दौरान थानाधिकारी रमेश मीणा ने त्योहारों पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। इसके साथ ही CLG सदस्यों ने थानाधिकारी को विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। बैठक में बड़ी संख्या में CLG सदस्य मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के अकलेरा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मिश्रोली के गांव अन्या आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 विभाग एक साथ कार्य करते देखे गए, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र, पशु सेवा केंद्र, आंगनबाड़ी संचालित है। भवन 30 साल पुराना होने से दीवारों में दरार आ गई, छत कभी भी गिर सकती है। कार्यरत सहायिका व नर्सिंग कर्मी हमेशा दहशत में रहते हैं कि किस समय बिल्डिंग गिर जाए, जिसमें शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाएँ काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया है, लेकिन परेशानी जस की तस बनी हुई है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को भी बिठाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पालिका के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा वार्षिक उपार्जित अवकाश अवधि के भुगतान को लेकर किया गया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने बताया कि समस्त सफाई कर्मी नगर परिषद झालावाड़ के द्वारा मार्च 2024 के उपार्जित अवकाश का भुगतान हेतु आवेदन किया जा चुका है, परंतु आज दिनांक तक समस्त कर्मचारियों को उन्हें भुगतान नहीं किया गया, ना ही वर्दी के पैसों का भुगतान किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों ने नगर परिषद आयुक्त से मांग की है कि उक्त दोनों भुगतान किया जाने का आदेश जारी करें, अन्यथा समस्त कार्मिकों द्वारा विरोध दर्ज कर कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। कुछ मांगों को लेकर अड़े हुए भी हैं क्या है? ये कह रहे हैं कि आयुक्त मौके पर नहीं आता है। नाम बता रहा आपका? राजू मालवीय। क्या मामला पूरा? पूरा मामला ये है कि नगर परिषद क्या है कि ना तो उपार्जित अवकाशों को पेमेंट का भुगतान कर रही है, ना समय पर सर सैलरी डालती सब सफाई कर्मचारियों को, ना वर्दी का पैसा डालती है। करता क्या है कि कार्यालय में जो कार्मिक उपस्थित हैं उनके वर्दी का पैसा डाल दिया जाता है, सैलरी उनके टाइम पर डाल दी जाती है, बाकी सफाई कर्मचारियों को पर ध्यान नहीं दिया जाता। नगर परिषद सफाई कर्मचारियों को 2013 में जो नियुक्त हुए थे उनका पैसा काटा गया NPS का, वो पैसा कार्ड तो लिया गया लेकिन नगर परिषद कर्मचारियों को NPS खाते में उन पैसों को ट्रांसफर नहीं किया गया। वो करीबन 2 लाख एक एक कर्मचारियों को 2 लाख के करीब पैसा भुगतान बाकी है। जो सभी भुगतानों की मांग करते हुए हम सभी समस्त कर्मचारियों ने एक निर्णय लिया है, अगर 12 तारीख तक हमारे इन समस्याओं को भुगतान की समस्याओं को हल नहीं किया गया तो सामूहिक हड़ताल पर हम चले जाएंगे। सुनेल क्षेत्र के ग्राम पंचायत मगीसपुर में चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कई अतिक्रमियों द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत के कुंडला प्रताप गांव के लगभग 100 बीघा जमीन को तहसीलदार के द्वारा कार्रवाई को अमल में लाते हुए गुरुवार को सावल मशीन चलवाकर तहसील को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए तहसीलदार अजहर बेग ने अहम भूमिका निभाई है। इनकी कार्यशैली को लेकर अतिक्रमियों, भूमाफियाओं में भय पैदा हो गया है, वहीं आमजन में विश्वास है। आमजन में इसकी छवि सिंगम की तरह बन गई है। हम बात कर रहे हैं सुनील तहसीलदार अजहर बेग की, जो सुनील तहसील में पोस्टिंग हुए महज 5 माह ही हुए और उन्होंने बेतोड़ कार्रवाई करना शुरू कर दी। शामगढ़ नगर में ऐतिहासिक विकास कार्यों की झड़ी लगाते हुए एक और ऐतिहासिक स्वीकृति नगर के लिए प्राप्त हुई है। आज यादव उज्जैन संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन राजीव निगम से मिली है और निगम से सौहार्द मुलाकात की। उन्हें नगर के विकास कार्यों के बारे में चर्चा की गई और नगर में एक भी उद्यान नहीं होने पर उन्होंने गहरी चिंता जताते हुए तुरंत ही 35 लाख रुपये की राशि नगर में उद्यान स्थापित करने के लिए प्रदान की कर दी है।
शामगढ़ में फोर लेन कनेक्टिविटी को लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना असिस्टेंट मैनेजर अमन सिंह नाहन ने सर्वे किया, जिसमें रिटायर्ड कॉलोनी से निकलने वाले रोड, मकरावन के रास्ते पर पड़ने वाली छोटी पुलिया और ग्राम से निकलने वाली सड़क का सर्वे किया गया, जिसको उच्च अधिकारियों द्वारा भेजा जाएगा, जिससे आने वाले समय में कनेक्टिविटी मिल सके। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर से सावन के चौथे सोमवार 12 अगस्त को निकलने वाली शाही पालकी व सावन माह के पांचवें सोमवार 19 अगस्त को निकलने वाली शाही सवारी शहर के जिन जिन मार्ग से निकलेगी उस मार्ग का जिला प्रशासन की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम में जिला प्रशासन, नगरपालिका, यातायात विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सवारी मार्ग में बीच बीच में आने वाले समस्याओं को लेकर SDM ने तुरंत उनका निराकरण को लेकर नगरपालिका अधिकारियों को उच्च दिशा निर्देश प्रदान किए गए। आपको बता दें कि इस बार सावन माह में पाँच सोमवार है। प्रतिवर्ष सावन माह के आखिरी सोमवार को भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ भगवान नगर भ्रमण पर जनता का हाल जानने निकलते हैं। इस वर्ष पांच सोमवार होने से चौथे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से भगवान की शाही पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकलेगी। तो वहीं 19 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार को भगवान अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की शाही रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इससे पूर्व जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया गया। मंदसौर जिले की लाडली बहनों का आभार सह उपहार कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम मंदसौर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कन्या पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि भाई और बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को शगुन के रूप में कुछ राशि देता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के साथ साथ जिले की सभी लाडली बहनों को शगुन स्वरूप 250 रुपये की राशि प्रदान की और मंदसौर जिले की सभी लाडली बहनों को 6 करोड़ रुपये की राशि शगुन स्वरूप प्रदान की जा रही है। आगामी 10 अगस्त के दिन सभी बहनों को, लाडली बहनों को एक साथ मुक्त राशि 1500 रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आभार सह उपहार का कार्यक्रम को लेकर संबोधित करते हुए डिप्टी CM ने कहा कि अब प्रदेश की लाडली बहनों को कहीं पर भी हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। मंदसौर आज़ादी के वर्षगांठ पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई प्रस्तावों को मंजूरी दे रही। मोहन यादव मंत्रिमंडल की बैठक में सजा का सार्वधानिक समय काटने वाले कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है। वहीं बुरहानपुर और मेहर जिले में नई जेल बनाने का भी फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में बुधवार को हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को दी। विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट को तिरंगा यात्रा को समर्पित करते हुए बैठक शुरू हुई और हर घर तिरंगा के साथ ही तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हर पंचायत तक तिरंगा यात्रा निकले और हर घर में तिरंगा झंडा लगे। झंडे की व्यवस्था के लिए हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे और सरकार भी प्रयत्नशील रहेगी। विजयवर्गीय ने बताया कि लाडली बहना के 10 अगस्त काफ़ी अहम है। 1250 तो मिलेंगे ही और 250 रुपये अलग से मिलेंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवाणी मैयों की दाणी शिव बाड़मेर राजस्थान में हरियाणा राजस्थान अभियान व एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत राज्य के प्राथमिक विद्यालय देवाणी मैयों की दाणी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान दिलीप महन ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जेठूदान रत्नु, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ग्राम पंचायत राटरी के सरपंच सुरेंद्र परिहार ने मंच की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में SMC अध्यक्ष प्रेम परिहार, समाज सेवा सेवक सेवाराम परिहार, वीराराम परिहार, जोगाराम मैया, राजेंद्र अध्यापक और विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधू कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधू के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधू मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजय टॉकीज के पास, बंधू आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।